नाम है ना वीडियो हाँ ये तो बता दे कि ये प्रीमेच्योर था 7.5 महीने पर इसके पानी चल गया था तो 7.5 महीने पर ये बेबी हुआ है ना और उसके बाद हम लोग के यहाँ इतनी अच्छी NICU की फैसिलिटी है NICU फैसिलिटी की वजह से हम लोगों ने इसको कितने दिन तक हमको NICU में रखना पड़ा 19 दिन के बाद आज छुट्टी हो रही है तो 7.5 महीने की प्रेगनेंसी और उसमें पानी चल जाना IVF करती बहुत कहाँ से आया हो बेटा गोंडा से तो आपको यहाँ पर के बारे में कैसे पता लगा था ये दोनों का इलाज हुआ था वो लोग सफल हुए थे इसी से मतलब कोई पेशेंट्स थे जिनका पॉजिटिव होके बच्चा लेके गए थे ठीक है चलिए तो आप कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो जिनको बेबी चाहिए कुछ खड़ा बताइए मेहनत करा है आपने कितनी मेहनत आपका तो केस बिल्कुल गॉन केस था जब ये पानी लेके आए थे तो कितने दिन हम लोग को ऐसे ही रखना पड़ा 17 दिन पानी की थैली फूट गई थी 17 दिन दवाई देकर एक एक दिन हम लोग खींचते गए कि कुछ किसी तरह से ऐसा हो जाए सुनाई दे रहा तुमको एक एक दिन खींच रहे थे और बिल्कुल होपलेस कंडीशन थी कि कैसे लेके जाएंगे इसको इतनी मेहनत से हम लोगों ने बेबी कराया था और उसके बाद मतलब एक तरह से देखा जाए तो 7 ही महीने में पानी चल गया तक 17 दिन हम लोगों ने भर्ती किया और 17 दिन इनको NICU में रखा तो NICU में रखने के बाद हम लोग ये भी भूखा हो रहा है क्या पूरी चीज समझ गए बच्चे अभी नहीं अभी तो NICU से यहाँ नहीं तो एक दो दिन रुक के सब समझ के तब जाना चाहते हो क्योंकि गोंडा जा रहे हो ना तो गोंडा में तुम्हारे पास फैसिलिटी है नहीं वहाँ तो कैसे ख्याल करोगे कोई ना? नहीं हर चीज आपको लिख के दीजिए कि कैसे हाथ साफ करके अपने बच्चे को टच करना है कैसे दूध बनाना है कितना देना है ना बॉटल फीडिंग आप सब लोग पूरा क्योंकि जिनके पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है गोंडा में वो एक प्रीमेच्योर बेबी को लेके जा रहे हैं ना बेटा तो हम लोग चाहते हैं कि बेबी में कोई प्रॉब्लम ना आए बेटा समझ में आया इसलिए आप रुक के थोड़ा और चाहे 2 दिन रुक जाओ पैसे नहीं लेंगे तुमसे 2 दिन तो चलो ठीक है तो तुम्हें जल्दी मची हुई तो फिर बैठ के ढंग से पूरा कुछ सुन लेना अच्छा चलो आओ तो आओ केक कटवा दे तुम्हारा इसको दे दो मेरे हाथ में इसके अंदर चले जाओ तुम वेट कितना तभी वेट भी कम लग रहा है हाँ जी आइए इधर आइए मम्मी भी आए कम कम चलिए जिंदगी का पहला केक कितने सौभाग्यशाली हम लोग के साथ में थैंक यू लो बस बस अब हम लोग बाकी हमारी लड़कियां काट देंगे डोंट वरी पहले हम इसको थोड़ा सा ये लगा देंगे है ना ये चलो ये तो देख भी दे स्मेल लग रहा है चलो भाई खाओ आ करो ये लीजिए अंडा नहीं अंडे भी बिना क्योंकि हमारे पेशेंट आते हैं ना काफी सारे ऐसे जो अंडा भी नहीं खाते तो हम लोग जब मंगाते हैं तो एगलेस मंगा लेते बिना अंडे वाला केक मैंने कहा दादाजी साथ साथ चल रहे थे तो अभी इनकी इनकी बिटिया का तो अभी ऑपरेशन से ट्यूमर निकाला गया तो अब फ्यूचर में इनके लिए सारा काम करना है तो ये मेरे पास यहाँ तक चलते आ रहे थे मैंने कहा आप भी आइए अंदर आशीर्वाद लीजिए ऐसे लोगों का जो बेबी लेके जा रहे सही नहीं हाँ सबको बंटवा दे रहे बस बढ़िया नहीं मैं वो फ्रूट्स के लिए कह रहे हैं स्वीट्स एंड बिलो दैट अच्छा यू वांट दैट टू गिव इट ठीक है चलो ये सिस्टर लेके जाएंगी सामान सो एक बार फिर से बहुत बढ़िया क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए सो ही बिलोंग्स टू अ वेरी ऑर्डिनरी फैमिली
and we have been supporting him very nicely in even economical way also. सारी तरफ से हम लोगों ने ध्यान दिया पूरी तरह से. तो हमने कहा तुम चिंता ना करो बेटा, अगर ये बच्चे को आना है वर्ल्ड में तो कोई चीज छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे लिए, सब काम करेंगे जिससे कि तुम्हारा दूध भरे. अब ये देखिए जब वंश ये बढ़ने लगेगा ना तो एक साल के बाद पता भी नहीं लगेगा कि ये प्रीमेच्योर हुआ. ठीक है, बस केयर करनी पड़ेगी. हाँ केयर, वही मैं सोच रही हूँ कि एक बंदा बैठ के ना इसको पूरा सुन रहे सुशा लिख के दीजिएगा. जी मैम. है ना, जैसे देखो डिटॉल साबुन से हाथ धोना है. हाँ, कोई बुखार जुखाम खांसी वाला इसके पास ना आए, कोई फंक्शन ना करे, कोई काजल और टमकने करके और ढोल ना पिटना चाहिए. अभी नहीं, एक साल बाद पिटेगा जब फर्स्ट बर्थडे होगा, अभी नहीं होगा. किसी पड़ोसी अड़ोसी को अभी कुछ ज्यादा शोर मचाने का अजूबा की तरह देखने ना आए कोई, है ना. जो आएगा अपने नाक में मुंह में इन्फेक्शन लेके आएगा. अच्छा, तो अभी एक महीना 100% इसका पहले वजन बढ़ने दीजिए. कोई भी प्रॉब्लम होती है गोंडा से तुरंत टैक्सी करिए चले आइए. और अभी भी मेरा अंदर से तो विश्वास ये है कि कहीं अगर लोकल यहीं रह सकते हो तो रह लो. नहीं रह पा रहे, चलो इनकी अपनी मजबूरी है, रह नहीं सकते. चलो ओके, कोई दिक्कत होगा तो हम चार घंटे में आ जाते हैं. चार घंटे में आ जाते हैं. और आपको ये भी मालूम पड़ गया कि दिन रात का यहाँ काम होता है और आपका जो NICU है वो 24 घंटे खुला होता है. आपको फोन नहीं करना, आपको रिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. आप क्योंकि फोन का कोई भरोसा नहीं, कब लगे कब ना लगे. अब ये चीजें बेटा जी लिख लीजिए सब एक एक चीज. देखो ये बंदा, इनको भी पता लग रहा है कि आप पता नहीं. सर आप लिख दीजिए, कहीं लिख के ये और ये समझे नहीं. हालांकि बड़ा इंटेलिजेंट है लड़का, लेकिन फिर भी लिखवा लो. अच्छा, हाथ धोए बगैर काम नहीं. और बच्चे को गोदी में लेके चाय वाय नहीं पीना. बच्चे को गोदी लेके खाना खा रहे हैं चाय पी रहे हैं, ये छोटे बच्चे में अच्छा इन्फेक्शन होता है. और छोटे बच्चे आके जो है बड़े छोटे से बच्चे को पकड़ते हैं. जैसे 3-4 साल वाले बच्चे आए, वो घर के घरेलू बच्चे अपने पड़ोसी पड़ोसी के अपने रिश्तेदार, और उनका शौक चढ़ता है लेने का, तो आपको उन सबसे बचा के रखना. समझ में आया, क्योंकि ये जरों से ज्यादा कमजोर और प्रीमेच्योर है इसलिए. ठीक है, और टेम्परेचर करना कि ओवर हीटिंग भी ना हो और अंडर भी ना हो, दोनों चीज देखनी, ना ओवर हीटिंग करनी ना अंडर. हाँ बच्चों जाओ जल्दी, जाओ जाओ, चलो तुम लोग अपने बिस्तर में जाओ. और ये बटवा दो बेटा, देखो अपने प्यार से लोग क्या क्या लाए हैं तुम लोग.